विराट कोहली को मैं डिस्क्राइब करूँगा अ ग्रेट बैट्समैन, अ ग्रेट कैप्टन और सबसे बढ़कर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, मुझे पसंद भी है और अच्छा है मुझे, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत कम लोगों में होती है जो विराट कोहली में है। विराट कोहली असल में एक्चुअली हमारे यहाँ तो किंग कोहली के नाम से जाना जाता है क्योंकि मैच विनर प्लेयर है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स मौजूद हैं, MS धोनी और विराट कोहली। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के नौजवान इन खिलाड़ियों के बारे में कितना जानते हैं, उनको क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है और इन खिलाड़ियों में कितनी दिलचस्पी है और वो इनके बारे में क्या सोच रखते हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने नौजवानों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? असद अली। जैफा जी। मेरा नाम फाज। सैयद अहमद तलत। सरमद। सर क्या करते हैं आप? मैं फिल्म मेकर हूँ। अच्छा अच्छा सर, माशाल्लाह। सर क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है कि जस्ट फिल्म? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो आज विराट कोहली आपसे कुछ पूछने आए हैं कि आपने उनको डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है आपके लिए। ये विराट कोहली मेरे ख्याल से इस दुनिया का या क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यूनिक प्लेयर और अच्छा प्लेयर विराट कोहली है। इसको अगर देखा जाए तो ड्रेसिंग के हवाले से, उसके बाद अगर इसको कमर्शियली देखा जाए तो भी स्ट्रॉन्ग है। इंस्टाग्राम पे 191 फॉलोअर्स हैं इसके और आजकल इसकी फॉर्म ज़रा अच्छी नहीं चल रही है IPL में, मगर ये है कि ही कैन कम बैक स्ट्रॉन्गली। तो इसके मेरे ख्याल से इसके आगे कोई भी जो प्लेयर है वो मेरे ख्याल से कोई इंस्पायर्ड हो सकता है, इंस्पायर्ड हो सकता है। विराट कोहली असल में एक्चुअली हमारे यहाँ तो किंग कोहली के नाम से जाना जाता है क्योंकि मैच विनर प्लेयर है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैचेस इसने जितवाए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज तेंदुलकर के बाद इसकी हैं और अभी तक बहुत अच्छा कंजेकटिव जा रहा था। बस अभी थोड़े थोड़े इसके आए हैं, बोर्ड से थोड़े इख्तलाफात चले हैं तो इस वजह से उसे हटाया गया कैप्टनसी से, लेकिन वो भी टेम्प्रेरी है। लेकिन वो है किंग है तो बुरे हालात सब पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब कि दुनिया मानती है इसे और पाकिस्तान में तो बाबर आजम बाद में, लेकिन पहले विराट कोहली। अच्छा, वैसे कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा एक क्रिकेट में स्पेशली एक मुकाबला किया जाता है, एक बड़ी दुश्मनी जाहिर की जाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबर आजम से भी पहले विराट कोहली। हाँ, क्योंकि एक एरा है इसका, क्योंकि 19 से खेलता आ रहा है, 19 जो अंडर 19 होती है उसकी इंडिया की टीम, उसका भी कैप्टन रहा है। उसके बाद इसने वहाँ बड़ा स्कोर किया है, उसके बाद 2011 में इसने बहुत स्कोर किया है, मतलब इसकी 28, 30, 31, 32 सेंचुरीज हैं ODI क्रिकेट में, सिर्फ ODI क्रिकेट में, और जब भी मैच फंसा होता है तो एंड तक लेके चलता है और बहुत अच्छा। विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, मुझे पसंद भी है और अच्छा है मुझे, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत कम लोगों में होती है जो विराट कोहली में है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर है? ऑफकोर्स है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, ये सारे बहुत अच्छे। अगर आपको मौका मिले इन तीनों में से किसी एक को विराट कोहली के साथ रिप्लेस करने का, वो कौन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता रिप्लेस करना चाहिए, मुझे लगता है हमारे तीनों क्रिकेटर की अपनी अपनी जगह है, किसी की अपनी अपनी जगह, किसी को रिप्लेस नहीं करें? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में से किसी को रिप्लेस करना, पाकिस्तानी टीम में से रिप्लेस करना है विराट कोहली के साथ? विराट कोहली के साथ तो ऑफकोर्स विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा प्लेयर मेरे पाकिस्तान के साथ। और कौन सा क्रिकेट वहाँ क्रिकेट प्लेयर हमारा वहाँ चला जाए? हमारा वहाँ चला जाए, मुझे लगता है अव्वल वो खेलते नहीं है, लेकिन उमर अकमल थे ना, तो मैं उनको भेज देती हूँ। ठीक है, तो आप उनको भेज के विराट कोहली को यहाँ बुलवा। हाँ, मैं विराट कोहली। देखिए जी, ये आए नहीं है, इनको कौन नहीं जानता, इनको आए हुए काफ़ी वो कहते हैं ना ज़िंदगी गुजर चुकी है और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो इनको ना जानता हो, और स्पेशली वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे जो क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि क्रिकेट के एक वक्त में ये बादशाह रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं क्रिकेट में, ये नो डाउट के ये नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट का किंग अभी भी कहलाएगा अभी, क्योंकि बाबर आजम नंबर वन पे जा रहा है, सेकंड थर्ड बन रही है। तो ये खुशी नहीं है कि बाबर आजम नंबर वन पे जा रहा है, विराट कोहली के नीचे आने का दुख ज्यादा है? नहीं, ये खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन वो कहते हैं लाइकनेस भी किसी चीज़ का नाम है। तो बाबर आजम से ज़्यादा पसंद आपको विराट कोहली? नहीं, बाबर आजम की जो कवर ड्राइव्स हैं उस पर नो डाउट के जो एक एज अ क्रिकेटर हर बंदे की जान जाती है उस पर। कोहली की भी कवर ड्राइव्स अच्छी हैं, उसकी शॉट्स अच्छी हैं, लेकिन जो बाबर आजम है वो वहाँ पर नहीं कोहली पहुँच सकता, और जहाँ पे कोहली है वहाँ पे बाबर आजम कभी भी नहीं पहुँच। नहीं, ये तो आप डिप्लोमेटिक सा जवाब दे रहे हैं, एक सिलेक्ट करना है, बाबर आजम या कोहली।
देखिए जी, बाबर आजम वो कह सकते हैं आप पाकिस्तान का किंग है एट द मोमेंट, और कोहली को आप कह सकते हैं कि वो अभी तक एशिया का है किंग। ठीक हो गया, यानी एशिया में बात की जाए तो कोहली और पाकिस्तान की बात की जाए तो बाबर आजम। अगर आप ये बाबर आजम से भी क्वेश्चन पूछे ना अभी भी एज अ नंबर वन प्लेयर, वो अभी भी यही जवाब देगा कि मैं अभी तक कोहली को बीट नहीं कर सका और ना ही करूंगा। वो बहुत बड़ा प्लेयर है और ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने का मुजाहिरा भी देता है। तो आप भी कर रहे हैं? मैं भी ये चीज कर रहा हूँ। डिस्क्राइब क्या, सारी दुनिया जानती है दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है, और ऐसा बैट्समैन शायद ही कभी दुनिया में आ सके जो इतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करता है। आप बाबर आजम को भी कह सकते हैं लेकिन विराट कोहली का कोई लेवल नहीं है। कोई लेवल नहीं है। आप तमाम देखने वाले भी बताएं कि क्या विराट कोहली का कोई लेवल नहीं है। अच्छा सर, जिसके साथ ये बताएं कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप विराट कोहली का, आपने कहा कोई लेवल ही नहीं है, मतलब उस जैसा खिलाड़ी दुनिया में ना है, ना हो सकता है, ना कभी आएगा, तो इसके साथ आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले कि आप विराट कोहली को पीसीबी का चेयरमैन बना दें, अपने लोगों को उठा कर, तो आप बना देंगे? ये तो डिपेंड करता है, अगर बात उसकी सुनी जाएगी तो बनाया भी जा सकता है। अभी तो रमीज राजा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रहने, उनको ही रहने दिया जाएगा। ठीक हो गया। विराट कोहली को मैं डिस्क्राइब करूँगा अ ग्रेट बैट्समैन, अ ग्रेट कैप्टन, और सबसे बढ़ के अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट में तो सब अच्छा परफॉर्म करते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, बट एज ए बैट्समैन और एज ए क्रिकेटर हट के भी जो इंसानियत के लिए वो जो बात करते हैं, तमाम लोगों के लिए बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत एग्जाम्पलरी चीज़ है कि इंडिया में जब कोई और क्रिकेटर कोई और चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही होती मुस्लिम्स को या माइनॉरिटीज़ को, उस टाइम पे भी विराट कोहली उनके लिए स्टैंड करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, तो दैट्स शोज हिज ट्रू स्पिरिट एंड हिज ट्रू मैनशिप। ठीक हो गया। अगर आपको मौका दिया जाए कि विराट कोहली साहब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो क्या आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके नज़दीक वो इंसानियत का बहुत ख्याल रखते हैं? अगर उनको मौका दे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो अगर इंसानियत के बेस पर बनाया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता इस बात की कि 1973 के आइन के मुताबिक एक मुसलमान ही बन सकता है, उससे हट के जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, जो मेरी पर्सनल सोच है, तो वो इंसान का करैक्टर ज़्यादा डिफाइन करता है। तो आप बना देंगे? हाँ, अगर करैक्टर की बेस पर बात की जाए तो मैं इसको बना दूंगा। ठीक हो, क्योंकि शहबाज शरीफ से बेहतर है वो, जो हमारा क्राइम मिनिस्टर अभी मौजूद है हमारे पास। तो आपको लगता है कि विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर दुनिया में नहीं है अभी तक? जो असल में खेलना, खेलने के लिहाज से तो वो ठीक है, सारे हैं, उसके अलावा भी ये क्लास को मेंटेन करना वो विराट कोहली अच्छे तरीके से जानता है। क्लास हो, शोबिज हो, बैंक बैलेंस हो, बिजनेस हो, तो इन चीज़ों के बावजूद भी वो अपनी गेम पे इतना फोकस कर रहा है, मेरे ख्याल से ये कोई और प्लेयर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अगर आपको मौका दिया जाए कि कोई भी एक पाकिस्तानी टीम का प्लेयर आप इंडियन टीम या विराट कोहली के साथ रिप्लेस कर दें, तो वो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से खेलने के लिहाज से तो बाबर आजमी है, जो इससे अभी तक तो इससे अच्छा जा रहा है, मगर क्योंकि वो कंट्री बड़ा, पब्लिक ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ ना वो इस चीज़ में आ जाती है, तो इस लिहाज से वो नंबर ज़्यादा ले जाता है। खेल अभी तक बाबर आजम अच्छा है, कर देंगे बाबर आजम को, मतलब आप बाबर आजम से कहेंगे तुम इंडिया चले जाओ, विराट कोहली को भी आने दे, आने दे, आने कोई बाबर आजम होगा, क्योंकि एक्चुअली में बहुत एक ही प्लेयर है, वन डाउन आता है विराट कोहली भी और बाबर आजम भी वन डाउन आता है, और दोनों ही कवर ड्राइव की वजह से मशहूर हैं, और दोनों की कवर ड्राइव मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कोई वैसी कवर ड्राइव नहीं खेलता जैसे दोनों की। बहुत आसान को ऐसे में फवाद आलम को भेज देंगे, उसकी वैसे ही टांग सीधी नहीं खड़ी होती उसकी टांगें कांप रही होती हैं, कांप पे टांग रही होती हैं उसकी, तो इसलिए उसको भेज देंगे वहाँ पे, उसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे, विराट कोहली को मंगवा लेंगे, विराट कोहली को इजीली मंगवा लेंगे वहाँ, उसका स्वागत भी करेंगे, उसका स्वागत तो अच्छे से करेंगे ना, जब एक अच्छा प्लेयर आ गया उसका स्वागत क्या इधर, तो वो कहते हैं लोगों ने उसको झोलियों में उठा के रख लेना। ठीक है, आप तमाम देखने वाले बताएं कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान आते हैं तो उनका स्वागत आप लोग कैसे करेंगे? आई थिंक सबसे घटिया प्लेयर कौन सा था, सलमान भट्ट को उधर भेज देंगे, विराट कोहली को इधर ले आएंगे, वो तो वैसे ही क्रिकेट नहीं खेल रहे आजकल। नहीं, वो वैसे वो बयानात ऐसे देते हैं, खुद वो ठीक नहीं है और दूसरों की वो पगड़ियाँ उछालते हैं, तो इसलिए उनको इंडिया ही जाना चाहिए जो जहाँ ये होता है, और पाकिस्तान विराट कोहली पाकिस्तान। आपने कहा इंडिया में ये होता है कि पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, तो फिर आप विराट कोहली को अच्छा कैसे कह सकते हैं? जैसे देखें ना, अब विराट कोहली एक अच्छा कैप्टन था, एक थोड़ा अरसा उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया, लगा वो टॉप प्लेयर है, दुनिया उसे जानती है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, जैसे अब हम बाबर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म करें या ना करें हम बाबर का साथ खड़े होते हैं, तो विराट के साथ भी ऐसे उसकी आवाम को खड़े होना चाहिए ताकि वो बेस्ट कर सके अपना। पाकिस्तान का प्लेयर इंडिया भेजने की जगह पाकिस्तान के सभी भेज दें, बाबर और शाहीन को छोड़ के विराट कोहली को ले आए, सबको भेज दें, हाँ बाबर और शाहीन बस रख लें,
बाकी सबको भेज दे वहाँ पे, जरूरत नहीं है, पर्ची आ रही ज्यादा हमारे पास जी। तो आज आपने देखे पाकिस्तानी नौजवानों के रिएक्शंस, इंडियन खिलाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपनी सजेशंस लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं, ताकि हम अगली वीडियो आपके नाम के साथ उसी टॉपिक पे करें जो आप चाहते हैं। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।